गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट 1.4 ऑफ द फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम. नाउ इन दिस वर्कशीट व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट क्वेश्चन इज विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से आपने इसको लोकेट करना है ऑन द नंबर लाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर इज 3.765. तो सबसे पहले 3.765 को आप कैसे लोकेट करते हो कि 3.7 को देखिए, 65 को छोड़ दो, तो 0 से लेके 7 तक या 5 तक जहां तक भी आप ले सकते हैं. आपने नंबर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और स्केल के साथ आपने मार्क करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नाउ 3.765 यू हैव टू लोकेट. सो 3.7 लाइज बिटवीन 3 एंड 4. तो इसको आपने इस तरह से एरो कर देना है 3 एंड 4. अब 3, ये जो 3 और 4 लिए होंगे इसको आपने लेना है 3 एंड 4, एंड बिटवीन दीज नंबर 3 एंड 4 10 डिविजन्स आर देयर. तो आपने स्केल के साथ 10 डिविजन्स ले लेनी है, थोड़ा बड़ा बना लेना है, और 10 इक्वल डिविजन्स लेनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 4, 10th division is 0.4. तो अब इसके बाद आपने करना है 3.7, 3.76, and this is 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 and this is 3.7. But the given is 3.76. इसे नेक्स्ट डिजिट ले लेनी है. तो 3.76 लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8. इसको आपने ये डॉट्स लगा देने और यहाँ पे मार्क कर लेने एरो से 3.7 एंड 3.8, बिकॉज 3.76 लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8. नाउ द टू नंबर्स आर 3.7 एंड 3.8, एंड बिटवीन दीज 3.7 एंड 3.8 10 डिविजन्स आर देयर. तो 10 डिविजन फिर से आपने ले लेनी है इक्वल डिविजन्स. फर्स्ट नंबर इज 3.71, यहां से स्टार्ट करना है 3.7. तो फर्स्ट इज 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.8. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है 3.76 तो यहाँ पे है, लेकिन एक और टर्म आपके पास है 3.765. तो 3.765 लाइज बिटवीन 3.76 एंड 3.77. ये टू नंबर्स ले लेने हैं, फिर से सेम मेथड अप्लाई करना है. बिटवीन 3.76 एंड 3.77 10 डिविजन्स आर देयर. 10 डिविजन्स बना लेनी है. फर्स्ट डिविजन इज 3.76, इसको वैसे लिखना है और आगे 1 लिख देना है. 3.761, 3.762, 3.763, 3.764. फिफ्थ डिविजन इज 3.765. This is how to locate 3.765 on a number line by the successive magnification. Clear? Second question is, visualize 4.26 bar up to 4 decimal places. So 26 bar means you can write as 26 is repeated. So 4.26, 26 and so on. But we have to take only 4 places after decimal. So it becomes 4.2626. Now the this 4 point something lies between 4 to 5. So first of all, take the number line up to 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4.2626 lies between ye 4.262 isko nahi lena, 4.2 lies between 4 and 5. Now between 4 and 5, 10 divisions are there. First division is 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, and last is 5. And 4.26 lies between 4.2 and 4.3. 4.2 तक तो हमने कर लिया, अब अपने नेक्स्ट नंबर लेना है 4.26, और 4.26 lies between 4.2 and 4.3. Now the third line is 4.2 and 4.3. Between 4.2 and 4.3, 10 divisions are there. And first is 4.2. इसको वैसे लिखना है, आगे 1, 2 लिख देंगे. 4.21, 4.22, 4.23, 24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 and 4.3. 4.26 तो ये है, लेकिन हमें 4.262 लेना है.
तो 4.262 लाइज बिटवीन 4.26 एंड 4.27. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 4.26 एंड 4.27. 10 डिविजन्स आर देयर, इक्वल डिविजन्स आर देयर. फर्स्ट नंबर इज 4.261, सेकेंड इज 4.262, नेक्स्ट इज 4.263. नाउ द 4.262 तो यहाँ पे लाई कर रहा है 4.262, लेकिन हमें 4.2626 चाहिए, तो दैट लाइज बिटवीन 4.262 एंड 4.263. टेक 4.262 एंड 4.263 एंड 10 इक्वल डिविजन्स आर देयर. नाउ 4.2621, 4.2622, 4.2623, इसी तरह से 4.2626, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है, 4.2624, 4.2625, 4.2626. तो ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट दैट इज 4.2626. इज इट क्लियर? सो डू इट एंड आई विल गिव यू टू मोर क्वेश्चंस. Do it on the rough notebook. 3.795 and 7.86 bar up to four decimal places. Do these questions on the rough notebook so that you can do yourself practice these questions. Now worksheet 1.5. In the worksheet 1.5, in the first question, you have to classify the following numbers as rational or irrational. So, rational numbers are those numbers which can be expressed in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q both are integers. These are the rational numbers as you have already studied. PQ belongs to integer and Q is not equal to 0. And this root ki jo term hoti hai, that is an irrational number. So 2 minus root 5, that is an irrational number. Because agar kisi rational number mein kuch bhi hum add karte hain ya subtract karte hain, multiply karte hain, to wo bhi kya ban jata hai? Irrational number. So 2 is a rational number, but when it is two is added to this minus root 5, it becomes an irrational number because root 5 is an irrational number. Second sum, 3 plus root 23 minus root 23. First of all, we have to simplify it. When you open this bracket, root 23 and minus root 23, these are cancelled out. We get only 3, and 3 is a rational number because 3 can be written in the form of 3 upon 1, and where Q is 1 and Q is not equal to 0, and both 3 and 1, these are the integers. Now next is 2 root 7 upon 7 root 7. Root 7 and root 7 is cancelled out. We get only 2 upon 7, and 2 upon 7 is a rational number because 7 is not equal to 0 and 2 and 7 both belongs to integers. Fourth is 1 upon root 2. And root 2 is an irrational number, or 1 upon root 2 is an irrational number. Next is 2 pi. 2 pi is also an irrational number because pi is an irrational number. Clear? In the second question, simplify each of the following question. Simplify karna hai. Is question mein kya hai? 3 plus root 3 multiply by 2 plus root 2. So multiply jaise aap multiply karte hain simple way mein, waise multiply karna hai. Multiply by 3, this 3 by 2 plus root 2 plus root 3 into 2 plus root 2. We get 3 2 is a 6 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus root 3 into root 2 is root 6. रूट के अंदर एक रूट ले लेना है और अंदर की टर्म्स को, रूट के अंदर की जो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो रूट 3 इंटू रूट 2 बिकम्स रूट 6. अगर ये सेम रूट्स होते तब आप इनको ऐड कर सकते थे, लेकिन ये जो है वो डिफरेंट रूट्स हैं. यहाँ पे 3 रूट 2 है, यहाँ पे 2 रूट 3 है, यहाँ पे रूट 6 है, तो ये ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3. तो ये देखिए फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. a की वैल्यू a is 3, b is root 3, a is 3, b is root 3. So it becomes a square minus b square. We get 3 square minus root 3 square. 3 square is 9 and root 3 square, root is cancelled. We get a 3, 9 minus 3 is equal to 6. Third question, root 5 plus root 2 whole square. It becomes a plus b whole square. A is root 5, b is root 2.
सो ए स्क्वेयर रूट फाइव स्क्वेयर प्लस रूट टू स्क्वेयर प्लस टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट टू वी गेट फाइव प्लस टू प्लस ये जो टू है इसको ऐसे रहने देंगे, रूट के अंदर फाइव और टू को मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव टू जा टेन, फाइव एंड टू रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स को आपने ऐड कर लिया, फाइव प्लस टू इज सेवन और टू रूट टेन जो है वो ये इसमें ऐड नहीं हो सकते हैं, तो इसको एज सच वैसे ही रखेंगे। नेक्स्ट इज रूट फाइव माइनस रूट टू इंटू रूट फाइव प्लस रूट टू, तो ये भी कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वी गेट रूट फाइव स्क्वेयर माइनस रूट टू स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू फाइव माइनस टू इज इक्वल टू थ्री। नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट लेनी है ए बी 9.3, रूट के अंदर आपको गिवन है 9.3, तो आपने 9.3 का डिस्टेंस ले लेना है स्केल के साथ और उसे मार्क करना है ए बी 9.3। अब बी पॉइंट से आपने एक सी पॉइंट लेना है और वन यूनिट का डिस्टेंस लेना है, हमेशा ही वन यूनिट का डिस्टेंस लेना है, तो टोटल लाइन सेगमेंट ए सी आपके पास आ जाएगा 10.3। नाउ 10.3 आ गया, अब आपने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के लिए ए पॉइंट पे कंपास को रख के ऊपर और नीचे आंख लगानी है, सी पॉइंट पे कंपास को रख के ऊपर और नीचे आंख लगाएंगे तो ओ पॉइंट जो है दैट बिकम्स द मिड पॉइंट। अब ये जो ओ पॉइंट मिड पॉइंट है यहां से आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ओ पॉइंट से, तो ओ पॉइंट से सेमी सर्कल लेने के लिए ये टोटल डिस्टेंस जो है ए सी 10.3 है, तो ओ अगर मिड पॉइंट है तो ओ ए डिस्टेंस बिकम्स 5.15 एंड ओ सी बिकम्स 5.15। 5.15 का रेडियस लेके आपने ओ पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया जब आपने तो ये बी पॉइंट पे जहां से आपने वन यूनिट का डिस्टेंस लिया था सेमी सर्कल, ये जो यहाँ पे आपने एक डी के साथ प्रोटेक्टर के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो वो डी पॉइंट पे टच करेगा, उसको ओ के साथ आपने ज्वाइन कर देना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी ओ बी डी राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन द राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्राइंगल ओ बी डी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ डी स्क्वेयर हाइपो स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर इट बिकम्स ओ डी। क्या चीज है, हमने अभी सेमी सर्कल ड्रॉ किया तो ओ डी इज द रेडियस दैट इज 5.15 और इसका स्क्वेयर ले लिया इज इक्वल टू ओ बी। ओ बी देखिए ओ सी डिस्टेंस जो है वो 5.15 है एंड बी सी डिस्टेंस इज वन यूनिट, तो ओ बी डिस्टेंस कितना आ गया 5.15 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 4.15, तो ये 4.15 स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर हमने निकालना है, तो 5.15 स्क्वेयर माइनस 4.15 स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पे पूरा नहीं सॉल्व करना, आपने आइडेंटिटी यूज करनी है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर, तो इट बिकम्स 1 इंटू 9.30 इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9.3 एंड बी डी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 9.3। सो बी डी डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था दैट इज स्क्वेयर रूट ऑफ 9.3 यूनिट। अब क्या है कि आपने इसको लोकेट करना है ऑन ए नंबर लाइन, तो अब आपने ना कंपस को बी पॉइंट पे रखना है और बी पॉइंट पे कंपस को रख के यहाँ पे कंपस को रख के और आर्क ड्रॉ करना है यहाँ से, तो ये ई पॉइंट जो है दैट इज स्क्वेयर रूट ऑफ 9.3, तो ये जो डिस्टेंस है आपका दैट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 9.3 यूनिट। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये आपने ट्राई करके देख लेना, अगर नहीं आएगा तो मैं फिर से आपको बता दूँ। ठीक है, थैंक यू।